प्रेस गेट टुगेदर में आपका अभिनंदन है। वैसे किस्म से बिल्कुल प्रेस वार्ता जैसी लग रही है। आज समय हमने 1:30 बजे का दिया था, लेकिन सपना जी को आने में समय लगा क्योंकि ट्रैफिक जाम था। हमने आदरणीय अध्यक्ष जी से बहुत बार आग्रह किया कि मीडिया के बंधु सपना चौधरी जी से लगातार, क्योंकि वो चुनाव प्रचार में भी उन्होंने लगातार चुनाव प्रचार किया, मिलना चाहते हैं। और आज अध्यक्ष जी ने हमारी बात सुनी और उन्होंने सपना जी से बात की। मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था कि इनके गीतों को और गानों को 44 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। इस देश में जहाँ 120 करोड़ लोगों, 44 करोड़ लोगों ने ऐसा पसंद किया है। और ऐसी अदाकारा जिसको पूरे देश पे गर्व है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कल आदरणीय रामलाल जी, शिवराज चौहान जी और हमारे यशस्वी अध्यक्ष मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। इनका आज इस मंच से भी हम लोग अभिनंदन करते हैं। और इस वार्ता में सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी से कि वो इस वार्ता को शुरुआत करेंगे, उसके बाद सपना जी आपकी बात रखेंगे। दोस्तों नमस्कार। कल हमारे दिल्ली प्रांत का संगठन पर्व का एक सदस्यता अभियान जो इस समय बहुत ही बड़े स्तर पे शुरू हो चुका है। 6 तारीख को ही शुरुआत हो गई थी इसकी वाराणसी से, जहां पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो भारत के जन जन के हृदय में तो बसे ही हैं, इस समय जो पूरी दुनिया ने जिनको अपना लीडर मान लिया है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के साथ इस सदस्यता अभियान की शुरुआत करी 6 जुलाई को। 6 जुलाई का महत्व आप सब जानते ही है। 6 जुलाई को ही क्यों शुरुआत हुई, ये भी एक कई लोगों के मन में प्रश्न आता है। 6 जुलाई इसलिए शुरुआत हुई कि 6 जुलाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिन। 1901 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था। वो मात्र 31 साल की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए थे। और जब हम कुछ कहते हैं, कभी कभी नई जानकारियां आती है, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग उसको विकृत ढंग से लेते हैं और उस पर कटाक्ष करने लगते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनके जन्मदिन पे हम ये सब इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे ही एक 6 जुलाई को शुरू हुई थी सदस्यता अभियान और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या 11 करोड़ पहुंची, वो भी 6 जुलाई को ही शुरू हुआ। जो लोग डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के बारे में जानते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं, मैं दिल्ली के विद्वान मीडिया के मार्फत, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया के मार्फत मैं बताना चाहता हूं, सब लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आप 2 लाइनों से इसका महत्व समझ सकते हैं कि अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी नहीं होते तो आज हमको जम्मू कश्मीर में वीजा लेकर के जाना पड़ता। अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने वो आंदोलन नहीं खड़ा किया होता, विरोध नहीं किया होता, तो आज जो पश्चिम बंगाल है वो भारत का हिस्सा नहीं होता, उसको बंगाल में मिलाने की तैयारी थी। और ये सब कुछ तत्कालीन प्रधानमंत्री, कांग्रेस के लीडर जवाहरलाल नेहरू जी के समय में हुआ था। अब
क्या है कि सबको हमारा हमारा देश जो इस समय चल रहा है उसमें एक शब्द बहुत आता है, अवार्ड वापसी गैंग। जब भी कोई अच्छी शुरुआत होती है तो अवार्ड वापसी गैंग चुप हो जाता है, अगर यदा कदा कुछ अप्रिय बात हो गई तो फिर अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय हो जाता है, ये अवार्ड वापस करो, ये करो। भारत को जिस प्रकार से कमजोर करने की जो प्रक्रियाएं होती उन लोगों को हो सकता है बुरा लगे हमारी बात सुन करके, जबकि एक समय ये निर्णय हो गया था, नेहरू जी के सरकार में ये निश्चित हो गया था कि जम्मू कश्मीर का निशान अलग होगा, प्रधान अलग होगा, विधान अलग होगा। तो उस समय परमिट लेकर के जाया जाएगा जम्मू कश्मीर में, ये निर्णय हो गया। हमारे यहां कई जो हम बात कर रहे हैं आपसे, तो कई बहुत वरिष्ठ मीडिया के हमारे भाई बंधु बहन सब लोग हैं, कुछ को पता होगा, हो सकता है कुछ नई पत्रकारिता शुरू किए हैं, किसी को हम दावा नहीं कर सकते उनको नहीं पता होगा, और इतिहास ने इसको बताया नहीं अच्छे से। तो परमिट लेकर के जाना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने इसका विरोध किया, और विरोध ऐसे वैसे नहीं किया, क्योंकि इसके पहले भी पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा होना चाहिए, बंगाल को दो भाग में बटा, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल के उस लाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आज बंगाल याद करता है, देश याद करता है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि ये 6 जुलाई क्यों शुरू होता है, इस पे मैं प्रकाश डाल रहा हूं थोड़ा सा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा कि अब परमिट का विरोध करेंगे, और विरोध करने के लिए वो जम्मू कश्मीर गए, उन्होंने नियम को तोड़ करके प्रवेश किया, उनको तत्कालीन वहां की सरकार ने पकड़ा, और पता नहीं क्या हुआ उनको, कैसे मारा गया। 1 महीने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मृत्यु हो गई, उससे इतना बवाल हुआ पूरे देश में, इतना विरोध हुआ कि वो परमिट सिस्टम को खत्म करना पड़ा, और जम्मू कश्मीर हमारे देश का अविभाज्य अंग है ये तय हुआ, परमिट सिस्टम खत्म हुआ। इसलिए हम 6 जुलाई जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन हम इसको सदस्यता अभियान के रूप में, संगठन महापर्व के रूप में मनाते हैं। वही था आज से 2 दिन पहले जहां पे प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से शुरुआत की, हमने 1 दिन बाद दिल्ली में शुरुआत की। ये थोड़ी सी भूमिका आपको हमें देनी पड़ी, और चूंकि हर स्टेट जब शुरुआत कर रहा है तो अपने अपने ढंग से उसको ऐतिहासिक सफलता पाने के लिए हम लोगों ने करीब 8 लोगों को ज्वाइन कराया, जो उसको क्या कहेंगे, ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग की शुरुआत, सदस्यता अभियान की शुरुआत। उसमें हम लोगों ने बहुत अलग अलग क्षेत्रों को उस दिन ज्वाइनिंग के लिए चुना, उनमें जो लोग हैं वो आपको, आपने उनको दिखाया ही है। एक एलएन राव है जो पहले डीसीपी रह चुके हैं, और उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ लड़ा, कई आतंकवादियों को उन्होंने अपनी गोली का शिकार बनाया, कई उन पर हमले हुए, लेकिन उनसे बिना भी जरा भी वो भय खाए उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। एक विवेक भट्ट जी ने ज्वाइन किया जो दिव्यांग है, एक कर्नल प्रतीक ने जो आर्मी में सर्व किया है 21 साल, और 11 साल एलओसी पे रहे हैं उन्होंने ज्वाइन किया। गजानंद शर्मा जो एक्स ईडी रेलवे इंडियन रेलवे सर्विस से हैं, एक जी ने भी ज्वाइन किया जो ठेला लगाते हैं और तीनों बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं,
उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आदर्श नैयर जी जो चुकी में रहते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। लव सक्सेना जो रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर है इंडियन रेवेन्यू सर्विस से, उन्होंने ज्वाइन किया। और उनमें एक नाम सपना चौधरी का भी रहा ज्वाइन करने वालों में, जिनके ऊपर बहुत समय से राजनीतिक बहुत सारी धूम चल रही थी कि सपना चौधरी किस पार्टी में जाएंगी, क्योंकि पार्टी में जाने की बात ये पहली बार तो हुई नहीं, पहले भी कभी कांग्रेस में जाना है। कुछ लोगों ने तो भ्रामक न्यूज भी फैलाया कि सपना ने कांग्रेस ज्वाइन किया, जो भी हुआ हम उसमें नहीं जानते ज्यादा चाहते, सपना जी स्वयं में बता देंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है, वैसे में सपना चौधरी का बीजेपी को सदस्यता लेना, बीजेपी का और बीजेपी को सपोर्ट करना निश्चित रूप से हम सब के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। और कल चूंकि इनको कार्यक्रम के बाद कहीं जाना था, वो सदस्यता के बाद कहीं जाना था, मथुरा जाना था, वो चली गई, तो मीडिया की भी इच्छा थी कि हम लोग थोड़ा इंटरेक्शन करें, तो हम लोगों ने उनको आज इनवाइट कर लिया। बट आज के दिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी दिल्ली की सदस्यता का अभियान बहुत तेजी से शुरू हो चुका है और 5 जिलों में आज हम सदस्यता का अभियान कर रहे हैं। आपसे बात करने के बाद हम तुरंत अपने नॉर्थ ईस्ट जिले में जाएंगे और लोगों में इतना जोश है, इतना उत्साह है कि जिस दिल्ली में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट चुकी हो, जिस दिल्ली में अत्याचार की, व्यभिचार की और सरकार के द्वारा जनता को रुलाने की सारी मर्यादाएं टूट चुकी हो, उस प्रदेश में इतना जोश होना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए, इसको बहुत पॉजिटिव ले रहे हैं। और आप सभी का स्वागत करते हुए मेरी आप सबसे भी निवेदन होगी, मीडिया के लोगों से भी, कि हमारे इस अभियान में और जिस प्रकार जिस पॉजिटिवली हम लोग दिल्ली को एड्रेस कर रहे हैं, उसमें आपको भी कहीं लगता है कोई सब्जेक्ट हमारे ध्यान में आना चाहिए, हम आपके सुझावों को भी, हम मीडिया को देश का चौथा स्तंभ मानते हैं, इसलिए हम अधिकार समझते हैं आप लोगों का कि आप हमें समय समय पे कोई बात कहें। आप हमारे अगेंस्ट भी लिखते हैं, हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम निगेटिविटी में से भी उसमें क्या हमें पॉजिटिव करना है हम लोग चुन लिया करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आपके समक्ष है, कई बार हमने देखा कई कई समाचारों पे हमें बहुत थोड़ा सा दुख भी होता है, लेकिन अब हमने दुख होने के बाद तुरंत गोली खा लेते हैं दुख वाली, ज्यादा दुख नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो दुखी करने के लिए लिख देते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं अभी देख रहा था, कल ही किसी अखबार में लिख दिया गया कि किसी पार्षद को विधानसभा का टिकट नहीं मिलेगा। हमने कहा पार्टी का अध्यक्ष मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कोई नीति ऐसी बनाई नहीं, अन्य तो ऐसी सच्चाई है, फिर भी एक अखबार में ऐसे ही छप गया है थोड़ा सा न्यूज कि किसी भी पार्षद को विधानसभा की टिकट नहीं मिलेगी। तो जैसे ही दुख होना शुरू करता है तुरंत मैं गोली निकालता हूँ, आजकल दुख की गोली में पॉकेट में लेके चलता हूँ, चाहे वो केजरीवाल जी से हो, मनीष सिसोदिया के चोरियों से हो, यहाँ पे किसी न्यूज से झटका लगता हो। तो इन सारी चीजों को हम स्पोर्टिंगली ले रहे हैं। ये इस न्यूज का मैं खंडन करता हूं इस आप सबसे इंटरेक्शन में कि ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। हमारी एक ही लाइन है, विनेबिलिटी, जो जीत सकता है वो टिकट पा सकता है, जो मेहनती है, जो जनता का प्यारा है, हम उसका सर्वे कर रहे हैं, वो व्यक्ति होगा, वो किसी भी पद पे हो, कुछ भी हो, किसी का चांस बन सकता है, इसलिए ऐसी
भ्रामक न्यूज में कोई भी ना पड़े। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, बाकी अब आप सपना जी से, सपना जी भी दो शब्द आपसे बात कर लेंगे, कुछ आपसे जानना हो तो जान। बिल्कुल नहीं है, बाकी अभी जब मैंने सदस्यता ले ली है तो जो मुझे पार्टी बोलेगी मैं वो करूँगी। अभी मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। जब तक मैंने सदस्यता नहीं ली थी तो मैं खुले में बोला करती थी कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं लड़ना है, लेकिन अभी जैसा पार्टी बोलेगी मैं। सूरज देखिए, वजह या व्यक्ति वो सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मनोज सर है, मैं हमेशा बताती आई हूँ कि मेरे को रास्ता दिखाना। इन्होंने मुझे हमेशा बच्चे की तरह समझाया कि आप ये कीजिए आप ये मत कीजिए, और इन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। दिखा के सिर्फ एक ही बात बोली है कि जो आपका मन करे आप वो करो, किसी की सुनो मत। और मैंने ये खुले में कहा था कि जब मैं, मेरा मन करेगा कि मुझे सदस्यता लेनी है, मुझे पार्टी ज्वाइन करनी है, तो मैं खुले में आके बोलूंगी। तो अभी मैंने ज्वाइन कर लिया, तो मैं आपको खुले में आके बोल रही थी आपने ज्वाइन किया। आपने लोकसभा के टाइम में कहा था कि प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद मेरे मेरी मित्रता सभी पार्टी में है लोगों, क्या अभी भी मित्रता बनी रहेगी या? वो टाइम बताएगा, अभी तो नहीं बता सकती। लेकिन अभी मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं है, या मुझे ऐसा नहीं है कि मैं उनसे गुस्सा हूँ या कुछ ऐसा नहीं। ये पार्टी ही मेरे ख्याल से पॉजिटिव है, तो जिस तरीके का मेरा अभी दिमाग है वो बहुत पॉजिटिव है, तो मुझे किसी से कोई भी गिला शिकवा शिकायत कुछ नहीं है। बाकी टाइम बताएगा, अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ने वाली मैं भी नहीं हूँ। चुनाव लड़ने के लिए एक उम्र बहुत बड़ा वो होती है, एलिजिबिलिटी। सर आप टेंशन मत लीजिए, दो महीने बाद में 25 साल की हो जाऊंगी। आपको बीजेपी अगर टिकट देती है आपका सवाल ढंग से नहीं सुना। बीजेपी आपको हरियाणा से चुनाव के लिए टिकट देगी? हाँ जी, लगभग लगभग तय है, बाद में डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा, लगभग लगभग तय कर दिया, मुझे बताने का आपने तय कर दिया। अभी मैं उनको कह रहा था मेरे सामने दूसरे पार्टी चला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर हम कुछ भी करेंगे तो हम आप लोगों को बता के करेंगे, जैसा कि सर ने बताया आप चौथा स्तंभ है हमारे हिंदुस्तान का, तो हम आपको बिना बताए कुछ नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार के काम को किस तरह से देखती हैं आप? अभी फिलहाल तो ना के बराबर ही देखती हूँ। सर आपको तो बताने की जरूरत है, आप लोगों को भी बताने की जरूरत है कि कैसे देखते हैं कैसे नहीं देखते। हरियाणा में कई मुद्दे हैं, सर मैं ना के बराबर देखती हूँ। सबसे पहले तो एक लीडर में सबसे जो जरूरी चीज होती है वो पॉजिटिविटी होती है। अगर आप किसी के, मेरे ख्याल से किसी के प्रोफेशन की इज्जत नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं, ये है। आपको हर किसी इंसान की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो एक रिक्शा वाला हो चाहे वो मर्सिडीज में बैठता हो। सबको यहाँ अधिकार है सेल्फ रिस्पेक्ट पाने का, तो आप किसी की अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे पॉइंट करते हो तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। दूसरा कि अभी इतने घोटाले पकड़े गए हैं और अभी आपको पता है कि एक घोटाला मनोज जी ने भी पकड़ लिया है और वो उसको रिवील जल्दी करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो डर गया है अभी, टेंशन मत लीजिए।
अपना जो आपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करी, हाँ जी, जब आपने कांग्रेस ज्वाइन करी थी, मतलब सुरेंद्र सिंह है विधायक है बीजेपी के, उन्होंने बहुत सारी आपके संबंध टिप्पणी करी थी, अब आप बीजेपी सर उस वक्त भी मैंने यही कहा था, आज भी मैं यही कहूंगी कि वो मुझसे बड़े हैं, अगर उसकी उनकी मेंटेलिटी ही ऐसी है तो मैं वो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। कभी मेरे ख्याल से बाप की उम्र के इंसान को ये नहीं बताया जाता कि आप ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, शायद उनके दिमाग में। मेरे ख्याल से एक ही मुद्दा है कि लड़कियां वहाँ पे बहुत कुछ करने की काबिलियत रखती हैं, लेकिन काफी लड़कियों को घर से ही नहीं निकलने दिया जाता। मेरी तो फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मैं आपके सामने बैठी हूँ, अगर वहाँ फैमिली सपोर्ट मिले तो हर लड़की कुछ ना कुछ करने का जज्बा रखती है, तो मैं यही कोशिश करूंगी कि हर लड़की को वहाँ घर से निकलने की मिलने की और सबसे बातचीत करने का मौका दिया जाए, वो जो करना चाहती है उसे छोड़ दिया जाए, फ्री कर दिया जाए कि आप कीजिए। शायद रोहित हाँ जी, अभी आपने कहा दो महीने बचे हैं, प्रतिष्ठा भी हुआ, हाँ जी, और आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव भी है, हाँ जी, इतने बड़े कद का कलाकार, हाँ जी, बाकी विधानसभा का चुनाव है सर? मेरे को नहीं लगता, मैंने पहले भी बोला कि जो पार्टी बोलेगी मैं वो करूंगी, अभी मेरे जुबान से आप इसके अलावा कुछ नहीं सुन सकते हैं, सॉरी फॉर दैट। अंजलि अंजलि अभी आपने बोला कि मनोज सर की वजह से आप आई हैं, पैनल लेके आई हैं, मोदी जी सबको प्रेरणा ले रहे हैं, मोदी जी से मिलने का प्लान है, मार्चिंग में मोदी जी से मिलेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, वो हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उनसे मिलने का किसका सपना नहीं था, तो मैं जरूर मिलूंगी और उनकी पॉलिसी से मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत प्रेरित हूँ। मेरे ख्याल से वो हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा अंग है, अगर वो ना हो तो हिंदुस्तान सूना है, खाली है इस वक्त, और वो जो भी हमारे हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं उनको हैट्स ऑफ है, हमेशा चरण छू के प्रणाम है, और वो ऐसे ही करते रहे ताकि हमारा हिंदुस्तान ग्रो कर जाए। आपकी पहचान आपके प्रोफेशन से जुड़ी रही है, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करती हैं, उनसे कितना प्रभाव पड़ेगा और अपनी पार्टी को कितना समय देगा? मुझे लगता नहीं कि किसी भी काम पे प्रभाव पड़ता है, ना मेरे आर्टिस्ट होने पे प्रभाव पड़ेगा, ना मेरे सिंगर होने पे प्रभाव पड़ेगा, ना इस काम पे प्रभाव पड़ेगा, अगर मैं जज्बा रखती हूँ कि मुझे सब कुछ साथ लेके चलना है। फिर भी आपके पास भी शायद एक मौका है, आप अपनी इच्छा भी बता सकती हैं कि हरियाणा और दिल्ली दोनों जगह विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मैंने अपनी इच्छा से आज तक कुछ नहीं सुना। फिर भी अगर आपको एक ऑप्शन मिलेगा तो आप कहाँ से लड़ना चाहेंगी और दिलची बात क्या? अगर मुझे एक ऑप्शन दिया जाएगा तो मैं आपके घर आ जाऊँगी। चुनाव तो घर से नहीं होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ने का मौका मिला तो लड़ेंगे? उनके खिलाफ लड़ने का नहीं मैडम, मैं सीटी छोड़ दूंगी। मैं उनके साथ रहना, उनकी शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती, सॉरी। सर मेरे ख्याल से मेरे अंदर जितना जज्बा है, एक लड़की खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, जहाँ तक मेरा मानना है मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, हर लड़की खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, बस हमारा काम है कि उनको ये एहसास दिला कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो बस हम शायद बैठेंगे, सफाई करेंगे, लोगों को बताएंगे, महिलाओं को इकट्ठा करेंगे कि आपसे बढ़कर कोई नहीं, अगर आपके अंदर जज्बा है तो सब आपके। वो पार्टी एज ए महिला होने के नाते जब मैं बन जाऊंगी तब करनी। लास्ट पर्सन सपना, आपने कहा कि हर प्रोफेशन का रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन आपके प्रोफेशन को देखते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अगर ऐसे लोग पार्टी में आएंगे तो पार्टी का बेड़ा गर्क होगा, और अध्यक्ष जी को सोचना चाहिए था शामिल कराने से। जिनकी पार्टी का खुद बेड़ा गर्क है वो किसको बोल रहे हैं? मेरे को नहीं लगता मैडम कि हमारा प्रोफेशन कुछ गलत है। देखिए मैं शुरू से ये समझाती आई हूँ
अगर मेरा प्रोफेशन गलत होता तो शायद जितने लोग मुझे पसंद करते हैं, जितने लोग मुझे अच्छा समझते हैं, मैं एज अ वुमन बीइंग कैसी हूँ, अगर लोग मुझे समझ जाए तो कोई मेरे प्रोफेशन को गलत नहीं बता सकता। दूसरी बात कि अगर मेरा प्रोफेशन गलत है तो इतने लोग मुझे क्यों पसंद करते हैं? मैंने शायद कुछ गलत नहीं किया, मैंने कमाया और खाया, किसी का कम से कम पेट तो नहीं काटा। अगर मैं पेट काटती तो शायद यहाँ आपके सामने नहीं बैठी होती या लोग मुझे इतना पसंद नहीं करते। तो मैं सिर्फ उनकी इज्जत करती हूँ जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे पसंद नहीं करते मैं उनको देखना भी पसंद नहीं। सपना एक अगर आपको कुछ परफॉर्म करने के लिए कहीं कहा जाए पॉलिटिकल मीटिंग में तो क्या रिएक्शन होगा? सर शायद काफी लोग ये नहीं जानते, एक सेकंड, काफी लोगों को ये नहीं पता कि मैं सिर्फ एज ए डांसर नहीं जानी जाती, मैं एक सिंगर भी बहुत अच्छी हूँ। तो प्रोग्राम करने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि मैं डांस कर सकती हूँ, मैं गा भी सकती हूँ, मैं बड़े अच्छे अच्छे गाने सुना सकती हूँ, देशभक्ति के गा सकती हूँ। दो लाइनें सुना दे, दो लाइनें सुना दे। देश प्रेम आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। सपना जी, कांग्रेस कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफा लोकसभा चुनाव के हार गए सर इस्तीफा दे दिया, आप उनके इस्तीफे को कितना जायज मानती हैं? मैं बिल्कुल जायज मानती हूँ। अगर शायद उनको वो पता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो पार्टी के लिए उनको उनका इस्तीफा चाहिए। हम लोग इसी के साथ एक मैं आप लोगों का ध्यान एक चीज तरफ लाना चाहता हूँ। अब से कुछ समय पहले तक जो कलाकार बिल्कुल अपने चरम पे हो रहे थे होते थे और उनसे पॉलिटिक्स की बात करें तो बिल्कुल ही उसको नफरत की दृष्टि से देखते थे। क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के कारण आज यहां तक पहुंची है कि ऐसे ऐसे आर्टिस्ट भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और हम लोग जल्दी ही चाहेंगे कि कुछ पत्रकार भी हमें ज्वाइन करें, बड़े बड़े पत्रकार वो भी ज्वाइन करें। हम हमारे उपाध्यक्ष राजीव बब्बर, हमारे मीडिया के हेड अशोक गोयल जी और मीडिया रिलेशन हेड नीलकांत जी, हम सभी लोग मिल करके आज के इस इंटरेक्शन में आपका स्वागत करते हैं और फिर मिलेंगे इस आशा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।